जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल एसएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में खासकर मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के जो होने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए सामाजिक विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से मात्र आप लोग सिर्फ 15 का उत्तर देना है। देखते हैं किसमें कितना दम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है तुर्गेनेव का, बी कार्ल मार्क्स का, सी एंगल्स का, डी है लेनिन का। इसमें दोस्तों जो आपका आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लाला लाजपत राय और डी है लुई ब्लॉक। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग इटली की स्थापना किसने की? इसमें दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी ने, बी है मेजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है काबुर ने। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है 1867, बी है 1868, सी है 1870 और डी है 1871। इसमें दोस्तों आपका जो आंसर याद होगा आप लोगों के छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1907, बी है 1908, सी है 1910 और डी है 1911। इसमें दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907, जो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन ए है रूसो, बी है माल्टेस्क्यू, सी है रसेल और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है भारत में, बी है इंग्लैंड में, सी है अमेरिका में और डी है जापान में। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम, ऑप्शन ए है जॉन के, बी है जेम्स हारग्रीव्ज, सी है रिचर्ड आर्कराइट और डी है सैमुअल कम्पर्टन। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड आर्कराइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1850, बी है 1855, सी है 1870 और डी है 1880। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1870। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है कुसुमपुर, सी है अजीमाबाद और डी है राजगीर। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर और डी है 19.2 किलोमीटर। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चट्टान, बी है जलवायु, सी है पेड़ पौधे और डी है इनमें से सभी। आप लोग का जो बोल रहा है मृदा निर्माण में, इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है 10%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 40%। इसका दोस्तों आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कुमारी, बी है वालरा, सी है पेंडा और बी है खील। इसका दोस्तों आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसमें दोस्तों आप लोग का ऑप्शन है रेगुर, बी है बलुई, सी है लाल और डी है पर्वतीय। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा रेंगुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में होता है? ऑप्शन ए है सीमेंट, बी है पटसन, सी है स्टील, डी है एल्युमिनियम। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ और डी है पटना। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा पटना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, बी है राजगीर, सी है गया, डी है बांका। इसमें दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। जिसका क्वेश्चन का आंसर नहीं याद होगा दोस्तों मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिसका याद होगा उसका भी मेरा कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो की ओर।